अरिंदु की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का आखिरी खत। सुबह के 10 बजे थे। 70 वर्षीय बिमला जी दो रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि पड़ोसन आ गई। कैसी तबीयत है बिमला बहन? तो बिमला जी बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है, जब तक जिंदगी है बीमारियाँ तो साया की तरह चिपकी ही रहेगी। तो बिमला, शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? बड़ा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो अफसर है, खूब ठाट से रखेगा तुझे। अरे बहन, गांव में मुझे कोई कष्ट थोड़ी है, सुबह सुबह चार रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है, कोई सर दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक ही उलझन है कि बैठे बैठे यह पहाड़ सा दिन कटने को ही नहीं आता। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ, दिन भर यही सब चलता रहता है। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए बिमला जी के साथ खाट पर बैठ गई और बोली, हाँ बिमला, जीवन की सबसे बड़ी उलझन तो यही है, जवानी में इंसान के पास काम इतना होता है कि वक्त ही नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता तो वक्त ही रह जाता। बेटा बहू अपने दुनिया में रम जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बैठ कर बस मौत का इंतजार किया करते हैं, और उनमें से अगर एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरे का जीवन तो नर्क समान हो जाता है। अब देख, जब से मोहन भाई साहब गुजरे हैं, तेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई। ज्यादा नहीं तो कुछ दिन के लिए बेटी के घर घूमा, तेरा मन भी बदल जाएगा। हाँ बहन, सोचते तो मैं भी यही हूँ। कल अमन का फोन आया था, बता रहा था कि अगले हफ्ते आएगा, जब आएगा तो उसे कहूँगी कि मुझे अपने साथ ही ले चल। अमन अपनी माँ बिमला जी से मिलने चार दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ की आँखें खिल उठी। अम्मा झट से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगे। बेटे के आने की खुशी में इतनी अम्मा बीमार कमजोरी सब भूल गई और अमन की मनपसंद पूरी भाजी बनाने लगी। लेकिन जब अम्मा भाजी बनाने लगी तो आंखें कमजोर होने के कारण मालूम ही न पड़ा कि कितना पानी डाल दिया। पूरियां बनाई तो कहीं से मोटी और कहीं से पतली, और हाथ कांपते जैसे ही तेल में तलने लगी तो तेल के छींटे हाथों पर आ गिरे और छाले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर अमन ने माँ के हाथों को कुछ आराम दिया तो अम्मा अपराध भाव से बोल उठी, क्या करूँ बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव तो ठीक से काम ही नहीं कर पाते, अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी है। अपने लिए तो जैसे तैसे दो रोटियां बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं ना बना सके। तो अमन बोला, क्या अम्मा, अच्छा बोला तो बनाया है, कितने समय बाद तुम्हारे हाथों की पूरी भाजी खाई है, मजा ही आ गया। अम्मा का दिन रखने के लिए अमन ने कहा और आधा अधूरा पेट भर के ही उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय ही कर लिया कि अब वह अपनी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे सोचते हुए उसने अम्मा को अपने साथ चलने को कहा तो अम्मा उसे मना ना कर पाई, और दूसरे ही दिन गाँव वालों को अलविदा कहते हुए बिमला जी बड़े शौक से अपने बेटे के साथ साथ शहर चली आई। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा यह सोचकर बिमला जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही बिमला जी बेटे के घर पहुंची, उन्हें इस बात का जल्दी से एहसास हो गया कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें देखते ही उनकी बहू स्वाति का तो मुंह ही उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके गांव पांव छुए पोता पोती से मिलने का जोश भी वहीं खत्म हो गया। जब दोनों ने आकर नमस्ते की, औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत खिसक गए। अपने बेटे के घर में ऐसा रूखा स्वागत पाकर बिमला जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसी समय बहू की जोरदार आवाज सुनकर कांप सी गई। बहू, काम वाली बाई से कह रही थी कि पीछे वाले छोटे कमरे में सारा कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके अम्मा के लिए पलंग बिछा दो, बाथरूम पास में ही है तो अम्मा को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए अम्मा को कहा, यहाँ बैठ जाओ, अम्मा चाय पियोगी? हैरानी बहरान पुलिस संगीता उधर देखते हुए बोली, कोई नजर नहीं आ रहा है, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया, साहब का तो पता नहीं, पर स्वाति मेम साहब तो अपनी सहेली के यहाँ किड्डी पार्टी में गई है और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए हैं।
अकेले बैठकर उदास भाव से चाय के घूंट भरते हुए बिमला जी सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय के खातिर यहाँ आई थी। बिमला जी शहर में तो आ गई थी, लेकिन अकेलेपन का दंज हमेशा उन्हें डस रहा था। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहा था। हालांकि उनका बेटा अमन उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता, दिन में एक बार आकर उनका हाल चाल भी पूछ जाता, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं होता था कि वह अपनी अम्मा के पास बैठ सके। बिमला जी के खाने पीने और कमरे की साफ सफाई का ख्याल काम वाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था, और अगर अमन अपनी पत्नी स्वाति को अम्मा का ख्याल रखने को कहता तो वह उल्टा उसी पर भड़क पड़ती थी। अच्छे भले गांव में रह रही थी, क्या जरूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सिर पर बैठाने की। इसी बात पर अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था। अब तो अमन ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ले देकर पूरे घर में एक काम वाली बाई ही थी जो बिमला जी के साथ थोड़ा हंस बोल लेती थी। वह एक दयालु महिला थी जो अम्मा जी के अकेलेपन को भली भांति समझ सकती थी। उसके पति का भी मृत्यु हो चुकी थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वह यहाँ नौकरी कर रहे थे। काम करती हुई कभी अपना हाल चाल बांट लेती थी तो कभी अम्मा जी का हाल चाल सुन लेती थी। उसके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था, लेकिन स्वाति को उनकी यह बात भी पसंद नहीं थी। अक्सर नात सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज में उन्हें सुनाती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही लोगों के साथ ही तो बातें करेंगी। बातें करने के लिए अब काम वाली बाई ही मिली थी। इन्हें ना जाने कहां से लाकर इस गमार को यहां बैठा लिया। बहू की यह बातें अम्मा जी के दिल में तेर से चुभी तो लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुप करके पी जाती, किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन जब शीला काम पर नहीं आई तो अम्मा बेचैन होती। आखिर उसके अलावा और कौन था उनके पास हंसने बतियाने वाला। वो दिन अम्मा ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब अगले दिन शीला काम पर आई तो अम्मा ने कहा, आने का कारण पूछा। अम्मा की पूछते ही उसके आंखों से आंसू छलकने लगे और रोते हुए बोली, कल मेरे बच्चे को गंभीर चोट आ गई थी तो अस्पताल में दाखिल करवाया था, डॉक्टर ने बहुत खर्चा बता दिया है, इतना तो मेरे पास ही भी नहीं, समझ नहीं आता क्या करो। उसकी बात सुनकर अम्मा को उस पर दया आ गई और अगले दिन सुबह जब उनका बेटा अमन ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो अम्मा ने बाई की मदद करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगे तो अमन बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं स्वाति से कह देता हूँ वह आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर अमन चला गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनकी बहू स्वाति पैर पटक कर कमरे में आ गई और कही, अम्मा हमने कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसे की जरूरत आन पड़े। लेकिन जैसे ही अम्मा जी ने काम वाली बाई की बात की तो स्वाति भड़क उठी, हाँ हाँ बड़ी जायदाद छोड़कर गए हैं ना बाबूजी हम लोगों के लिए, जो अब काम वाली बाई पर लुटाने बाकी रह गए थे, और वैसे भी काम वाली बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है, उससे ज़्यादा मैं किसी को एक रुपया भी फालतू नहीं देने दूंगी। और अम्मा आप कान खुलकर सुन लीजिए, अपने काम से मतलब रखा कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात तक स्वाति ने अपनी बाई शीला को भी खूब फटकार लगाई। बहू का यह रूप देखकर अम्मा तो जैसे पत्थर की तरह जड़ होकर अपनी कुर्सी पर बैठ रही गई। अम्मा जब से आई थी तब से स्वाति के आंखों में खटक रही थी। अक्सर वह अपने पति से भी कहती थी कि क्यों यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि वह वहाँ अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सके। लेकिन अमन अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब अमन अपने ऑफिस से घर लौटा तो स्वाति को नोटों की गड्डियाँ देते हुए बोला, स्वाति यह संभाल कर रख लो, पूरे 1,00,000 रुपए हैं,
स्वाति ने अपने अलमारी में वो पैसे रखे और अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले ही दिन घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब अमन ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो स्वाति बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे वो पैसे मिल नहीं रहे हैं। फिर अमन बोला, अरे तुमने कहीं और रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? तो स्वाति ने तिरछी नज़र से अम्मा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे नहीं, अब हम दोनों के अलावा तो एक ही जान बचता है इस घर में जो पैसे उठा सकता है। वैसे भी कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मा शीला को देने के लिए तुमसे पैसे भी मांग रही थी। मुझे तो लगता है कि स्वाति की यह बातें सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए बोला, स्वाति तुम अपने हद पार कर रही हो, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भला अपने ही घर में पैसे की चोरी क्यों करने लगी? और वैसे भी मेरा सब कुछ उनका ही है। अमन परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। तभी स्वाति बोली, अमन एक बार मेरी बात मानो और अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो, मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिले। अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं लूँगी, लेकिन चोर बच कर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए स्वाति अम्मा जी के कमरे में घुस गई तो अम्मा बोली, बहू यह तुम क्या कर रही हो, मेरा यह सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो? स्वाति ने कहा, अम्मा जी आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने। ऐसा कहते हुए स्वाति ने अम्मा का संदूक खोला और सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। उसी समय नोटों की दो गट्टियाँ भी निकल आई। यह देखते ही अमन चौंक गया और बौखलाते हुए बोला, माँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यह हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। फिर स्वाति बोले, यह क्या, तो केवल 1 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे तो लगता है कि बाकी का 1 लाख काम वाली बाई को दे चुकी है। तुम्हारी माँ तभी शीला बोली, नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर ने। उसके लाख कहने पर भी स्वाति नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। अमन अपनी नज़रें झुकाए ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी अम्मा मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगे, इतना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया और मेरा वह बेटा जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा करने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, उस बेटी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिए। बूढ़ी माँ की आत्मा चीख उठी थी, दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन ऊपर से वह बिल्कुल चुप थी। कभी कभी अमन के भी दिमाग में आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह अपनी पत्नी को भी यह बात समझाना चाहता था। एक आध बार उसने स्वाति से दबी आवाज में इस बारे में बात भी की, लेकिन स्वाति का मानने वाली थी। फिर एक दिन स्वाति ने कहा, अमन बुरा ना मानो तो एक बात कहो, अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें गाँव वापस छोड़ाओ ताकि वह भी खुश रहें और हम लोग भी। फिर अमन बोला, स्वाति तुम पागल हो गई हो क्या, गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं, और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़कर आऊँगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी, सब मुझ पर थू थू करेंगे, और वैसे भी माँ की तो हालत है, उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर स्वाति ने कहा, तो ठीक है गांव नहीं छोड़ सकते तो अम्मा को वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती, उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बस फिर क्या था, अगले दिन अमन अपनी माँ के कपड़े पैक करता हुआ बोला, माँ मेरी एक वृद्धा आश्रम में बात हो चुकी है, कल सुबह मैं आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ाऊँगा, अब आप वृद्ध आश्रम में ही रहेंगे। अमन ने देखा तो अम्मा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और केवल इतना ही बोलती जा रही थी, बेटा मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आए।
वृद्धाश्रम जाते समय पूरा रास्ता अम्मा बस यही बोलती रही कि बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती, मैं घर के किसी कोने में ही पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तेरे बाबूजी के जाने के बाद तो ही तो मेरा केवल एक सहारा है, अब तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जाऊंगी, कैसे जीऊंगी बेटा। अम्मा गिड़गिड़ा रह गई, लेकिन अमन ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और वापस कभी पलट कर भी नहीं देखा। वापस आकर अमन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में व्यस्त हो गया और अम्मा को वृद्ध आश्रम बेचकर स्वाति के कलेजे में ठंडक पहुंच गई थी। आज अम्मा को वृद्ध आश्रम पहुंचते 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान अम्मा ने अमन से फोन पर बात करने को 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों ही बार स्वाति ने फोन उठाया और यह कहकर फोन काट दिया कि अमन किसी काम से बाहर गया। आज ऑफिस जाने को अमन तैयार ही हुआ था कि तभी उसके पास फोन आया, मिस्टर अमन आपकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर अमन असमंजस रह गया और तुरंत वृद्ध आश्रम के लिए निकल गया। जैसे ही अमन अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो अम्मा के मृतक शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन अमन ने देखा कि मृतक होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों से एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुए थी और माँ की दोनों बाजुएं ऐसे ही अकड़ चुकी थी। फिर एक बूढ़ी महिला अमन के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो अमन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह बोली, बेटा तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से गुमसुम रहते थे, बस तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगा के कुर्सी पर बैठी रहती थी और दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर वह बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ एक भली औरत अपने बेटे को साथ लेकर जरूर उनसे मिलने आती थी, उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए वह अपने घर से खाना बना कर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों से खिलाती थी, लेकिन उसके जाते ही वह फिर से गम के गहरे समंदर में गोते खाने लगती थी। किसी औरत और उसके बेटे का नाम सुनकर अमन चौंक गया कि आखिर वह औरत कौन थी। फिर वह वृद्धा महिला बोली अकेली बैठकर आंसू बहाते हुए, केवल एक ही बात करती थी, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, कल रात को भी वह इसी तरह बैठी थी और जब मैं सुबह उठी तब वह ऐसे ही बैठे हुए थी, जैसे ही मैंने जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया तो उसी समय तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने वृद्ध आश्रम के संचालक को सूचना दी तो डॉक्टर को बुलवाया गया, जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तभी उस वृद्ध महिला ने अमन को एक चिट्ठी पकड़ाई और बोली, बेटा यह पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा है, इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। अमन अपनी माँ अम्मा का लिखा आखिरी पत्र पढ़ने लगा, लेकिन उस पत्र में जो कुछ लिखा था पढ़ते ही अमन को एक गहरा झटका लगा। एक और उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रहे थे तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगे थी। वह पत्र पढ़कर अमन अपने माँ के मृत देह से निपट कर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको समय नहीं दिया और आज मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। उसके बाद अम्मा के मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बड़ी दुखी मन से अमन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। आके पत्नी को यह समझ
नहीं आ रहा था कि आखिर पत्र पढ़ते ही अचानक अमन को क्या हो गया था। वह ऐसे व्यवहार क्यों करने लगा था। स्वाति ने अमन के आंसू पोंछते हुए कहा, अमन खुद को संभालो। मगर कोई वापस नहीं आता है मर के, और इस सच को बदला नहीं जा सकता। तभी अमन गुस्से से स्वाति को देखने लगा और उसका हाथ झाड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन जब वह इस दुनिया में थी उन्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी। वह मुझसे बातें करना चाहती थी, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया, और यह सब केवल तुम्हारे कारण ही हुआ। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरी माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अपने अंतिम समय तक वह बस एक ही बात कहती रही कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास नहीं किया तो सिर्फ तुम पर, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अमन के मुंह से यह बातें सुनकर स्वाति हैरान सी रह गई। उसी समय अमन ने स्वाति की माँ को फोन लगाया और बोला, जल्दी से आइए और ले जाइए अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी स्वाति जोर से चिल्लाई, अमन तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, बताते क्यों नहीं। तभी अमन ने कहा, बस थोड़ी देर और अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में स्वाति की माँ अपने बेटा बहू के साथ लेकर तम्मा में हुए उसके घर आ गई। उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उसी समय अमन चिल्ला, जो आप लोगों के बस में हो आप वह करो, लेकिन अब यह औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। आप जानते भी हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया है। अमन की गुस्से भरी जोरदार आवाज़ सुनकर स्वाति की माँ थोड़ा शांत होते हुए बोली, लेकिन बेटा ऐसा भी क्या कर दिया स्वाति ने कि तुम उसे घर से ही निकाल रहे हो। सासू माँ, अगर मेरी बात का इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तभी उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा जो सबसे नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी। फिर अमन बोला, ठीक है अगर यह नहीं बताती तो मैं बताता हूँ कि आखिर उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटकती रहती थी। इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की वजह से, और अब उनकी वृद्धावस्था में जब मैं उन्हें अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी कभी उसे माफ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए अमन ने अपने सास को अपनी माँ का लिखा हुआ वो पत्र दिखाया और कहा, यह पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही है। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटे अमन सदा खुश रहो, बेटा जीते जीते तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा यह खत पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। संजीत, दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात नहीं की। बात करना तो दूर, वह तो आए दिन मुझे ताने ही सुनाती थी। जब मैंने काम वाली बाई को देने के लिए तुमसे पैसे मांगे और तुम बहू को यह जिम्मेदारी देकर ऑफिस चले गए, तो बहू ने मुझे जो खरी खोटी सुनाई उसी मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ की लाचारी पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपने सोने की अंगूठी दे दी ताकि उसे बेच कर वह अपने बच्चे का इलाज करवा सके। लेकिन वह इतनी स्वाभिमानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठा किए। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया है, वह मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। वो तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन
मैंने यही कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा अमन मुझे लेने जरूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद स्वाति मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा यूं बैठे बैठे तो हड्डियां जाम हो जाएगी और शरीर को थोड़ा चलते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने शीला के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया था। लेकिन मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी उसे आज मेरी इतनी चिंता कैसे होने लगी। वह मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रख कर मुझ पर और अपने काम वाले भाई पर ही चोरी का इल्जाम लगा देगी। पत्र पढ़ते पढ़ते अमन रोने लगा और फिर बोला, सासू माई, तो मैं जानता था कि आपकी मेरी बेटी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उसने छुटकारा पाने के लिए इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी यह मैं नहीं जानता था। तभी स्वाति की माँ बोली, नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो अमन ने कहा, सासू माँ, यह बात बिल्कुल सच है और यह उस दिन की बात है जब आपने अपनी बेटी को सोने की चैन दी थी। सोने की चैन का नाम सुनते ही स्वाति की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो स्वाति को कोई सोने की चैन नहीं दी। फिर अमन ने कहा, अच्छा पूछिए अपनी बेटी से, उसने तो मुझे अपनी नई सोने की चैन दिखाते हुए यही कहा था कि यह मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही स्वाति के पसीने छूटने लगे। फिर अमन ने कहा, सच सच बताओ स्वाति, वो चैन तुमने उसी 1 लाख रुपए में खरीदी थी ना जो गायब हुए थे। यह सुनकर स्वाति की भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबकी नज़र स्वाति पर थी, लेकिन स्वाति नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रही। फिर स्वाति की माँ आगे बढ़ी और गुस्से में उसके मुंह पर 2 झन्नाटादार चाटे जड़ दिए। फिर अमन ने कहा, मैं ही बेवकूफ था जो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी थी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, सोच पाए थे कि अम्मा के 2 संदूक थे और तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने किस संदूक में और कहाँ पैसे छिपाए। जो संदूक खुलते ही तुमने पैसे निकाल दिए। फिर अमन ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है, उनका गाँव वाला मकान काम वाली बाई शीला के नाम पर कर दिया जाए ताकि अंतिम समय में जो उसने मेरी माँ की सेवा की है मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखने का उनका उद्देश्य किसी को गुनाहगार साबित करना नहीं था बल्कि खुद को बेगुनाह साबित, और वह चाहती है कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं, तभी उनकी आत्मा को शांति मिले। यह सब पढ़ते पढ़ते अमन फूट फूट कर रोने लगा और यह कहते हुए जमीन पर बैठ गया कि अगर मैंने अपनी माँ को ना छोड़ा होता तो आज वह मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैंने एक बार उनकी बात पर भरोसा किया होता। उसे ऐसे रोते देखकर स्वाति की माँ की आंखों में भी आ गए थे आंसू और बोली, ऐसी बेटी से अच्छा तो मेरी कोई बेटी ही ना होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ ऐसे सब करे तो तुझे कैसे लगेगा। एक और तेरी सास थी जिसने एक गरीबी की मदद करने के लिए अपने सोने की अंगूठी दे दी, वहीं दूसरी और तुम हो जिसने एक सोने की चैन खरीदने के लिए और अपने सास से ही छुटकारा पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। फिर अमन को हौसला देते हुए उसकी सास बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पर क्या गुजर रही है और जो तुम्हारी माँ के साथ बीता है वह सब भुलाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका और दे दो। और तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। आज स्वाति को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया, उसके कारण उन्होंने इतना दुख सहा। अंतिम समय में अम्मा की सेवा करके
शीला ने उन पर जो उपकार किया था उसे मानते हुए अमन ने माँ का गांव वाला मकान शीला के नाम कर दिया। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अमन ने स्वाति को घर में तो रख लिया लेकिन कभी उसे माफ नहीं किया। स्वाति पूरी कोशिश कर रही थी कि अमन के दिल में वापस अपनी जगह बना सके लेकिन शायद अब यह संभव नहीं था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।